दोस्तों, और क्या हाल चाल? मस्त है, उम्मीदें बढ़िया होंगे। कल की वीडियो में आपने देखा कि सुमित भैया से हम लोग मिलने थे, और उनसे मिलने से पहले मतलब सुबह में ही हम लोग पहुंच गए थे। जब हम लोग पहुंचे तो उनका ड्यूटी का टाइम हो गया, वो ड्यूटी के लिए निकल गए। तो और 4 बजे आते तो 4 बजे के बाद वो बुलाए थे, 4 बजे हम लोग मिले। फिर उसके बाद दिन भर हम लोग सोचे क्या करें, तो लुमडिंग जंक्शन के लिए आ गए हम लोग, लुमडिंग जंक्शन इधर ही घूमने के लिए। अब यहाँ देखते हैं क्या, मतलब अभी तो कुछ पता नहीं है, वैसे टहल रहे हैं, घूमेंगे अभी, देखते हैं क्या है घूमने लायक। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बगल में ही देखिए कितना अच्छा घास वगैरह लगाया गया है, पेड़ तांबूल का लगाया गया है, और बहुत मस्त एकदम। बाहर भी देखिए कितना मतलब साफ़ सुथरा लग रहा है, मौसम भी एकदम अच्छा है, ठंडा ठंडा, धूप नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म के बगल में ही देखिए खान पान स्टॉल लगा हुआ है। देखिए अच्छा लग रहा है स्टेशन, मतलब और स्टेशनों से तो साफ़ सुथरा काफ़ी अच्छा है बाकी स्टेशनों के मुताबिक, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। हाँ, सभी सुबह सुबह ही है, मतलब 9 बज रहा होगा। चलिए सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर, बाहर की तरफ निकलते हैं। अभी मैं और विश्वजीत भाई देखिए आ गए हैं अभी तो घूम रहे हैं वैसे ही, देखते हैं। इधर देखिए सारी ट्रेनें खड़ी हैं, और ये रेलवे वर्कशॉप उधर दिख रहा है सामने, देखिए रेलवे वर्कशॉप। अभी चलते हैं उधर भी। अभी यहीं देखिए स्टेशन के बगल में ही छोटा सा स्टेडियम है खेल खेलने के लिए, काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब अच्छा है, फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह आप खेल सकते हैं। मतलब यहाँ के जो काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे वो तो डेली खेलते ही होंगे। अभी ये देखिए मेन गेट फ्रंट के सामने इतना अच्छा पुराने जब मतलब पुराना इंजन रखा हुआ है रेलवे का, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब 100 पीस के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस पर 4091/G टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। और ये बाहर का देखिए कितना शानदार। अभी तो दोस्तों यहाँ आने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब न्यू बंगाई वर्कशॉप हमें ना चूज़ करके ये लोडिंग डिवीज़न हमें चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो वो कुछ ज़्यादा ही, मौसम भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, प्लेस वगैरह बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं। और हमारे वहाँ क्या है, वर्कशॉप है ही, मतलब वहाँ भी है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम लोगों का क्या है, जाते हैं रूम से काम करते हैं फिर रूम पर आते हैं, ऐसी कोई खास घूमने वाली जगह भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा जा रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि हम गलती कर दिए वहाँ पर, न्यू बंगाई लेकर लुमडिंग ही लेना चाहिए था। अभी देखिए वो ग्राउंड जो ऊपर से दिखाए थे, यहाँ पर देखिए ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ बगल में देखिए रेलवे के मतलब कहीं इंजन कहीं बोगी एक एक चीज़ें रखी हुई हैं। और इधर भी देखिए ये क्रेन है, ये देखिए लुमडिंग का मार्केट, बहुत बड़ा इधर मार्केट लगा हुआ है, सब चीज़ का दुकान जो आप ढूंढेंगे। इधर देखिए इधर पूरा मार्केट ही, अभी घूमते घूमते बहुत थक गए हैं और भूख भी लग गया है, क्योंकि सुबह से अभी हम लोग कुछ खाए नहीं हैं।
और यहाँ लुमडिंग में तो बहुत बड़ा मार्केट है, सब अलग अलग दुकानें, आप जिस चीज़ की दुकानें ढूंढेंगे उस चीज़ की दुकानें डबल तिबल नहीं, चार पाँच दस दस दुकानें मिलेंगी। कपड़े की हो गई, सब्जी की हो गई, बर्तन की हो, मतलब जिस चीज़ की भी दुकान आप ढूंढोगे यहाँ पर दुकानों की कमी नहीं है। बहुत अच्छा मार्केट है, लम्बा चौड़ा, बहुत काफ़ी दूरी में फैला हुआ है। और हम लोग भी आ गए हैं, कुछ खाने के लिए भी भूख लगा है, तो होटल में अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी पराठा वगैरह ऑर्डर कर दिए हैं, खा लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। अभी हमारा आ गया खाना, पराठा सब्जी, अब खाते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, पहले पेट पूजा फिर उसके बाद फिर कोई दूजा। अभी हम लोग खाना खा कर पूरा मार्केट घूमे, मार्केट बहुत बड़ा था और भी कुछ मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हम लोग घूमे बहुत और थक हार कर फिर आ गए स्टेशन पर, क्योंकि अभी हम लोग का ट्रेन है, फिर वापस जाना है, तो उसके लिए हम लोग आ गए। और यहाँ घूमते घूमते पता चला हमें कि यहीं बगल में एक शीतला माता का मंदिर है जो वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही फेमस, और बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो अभी तो मेला ख़त्म हो गया क्योंकि अप्रैल में लगा था और फिर अगले साल अब लगेगा, तो अब फिर कभी मौका मिलेगा अगले साल आने का तो फिर आया जाएगा, क्योंकि अभी तो ढूंढा गया मंदिर मतलब मिला नहीं, तो इसीलिए अब हम लोग का भी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो घूम कर फिर हम लोग चले मतलब स्टेशन पर आ गए। और एक चीज़ तो मतलब यहाँ हम लोगों को अभी फील हुआ, फील क्या मतलब बहुत अच्छा है इधर हम लोगों के, वहाँ बोंगाई गाँव से, न्यू बोंगाई गाँव जहाँ हम लोग हैं वहाँ से, यहाँ मार्केट भी अच्छा है और यहाँ का सिटी भी अच्छा है, सारी चीज़ें वहाँ से बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग को मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलती कर दिया न्यू बोंगाई लेकर, तो मुझे लुमडिंग में ही आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पूरा मतलब आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसा मार्केट वगैरह हर एक चीज़।